नववर्ष पर हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को जिला सोलन में यातायात समस्या से निजात दिलाने को सोलन पुलिस को तत्परता से कार्य करने के पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किए हैं। साल की पहली क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने वहां मौजूद अधिकारियों को बोलते हुए ये बात कही। क्राइम मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह सहित सभी पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जिले में चल रहे नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने के लिए भी पुलिस को कड़े कदम उठाने को कहा। उन्होंने इसके लिए पुलिस अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के टिप्स भी दिए। क्राइम मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर किसी भी कारण से वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नव गठित सरकार के 100 दिन में विकास कार्य करने के लक्ष्य में सहयोग करने के लिए भी पुलिस बल को आदेश दिए हैं। इसके लिए पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता की मदद के लिए पुलिस को हर समय तैयार रहने की हिदायत भी दी गई है। टूरिस्ट मूवमेंट के बारे में इनको बताया गया, क्योंकि टूरिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा है इस समय और आगे स्नोफॉल के बाद सोलन से टूरिस्ट मूवमेंट बहुत हो जाती है। पेंडेंसी ऑलरेडी दे आर वर्किंग हार्ड और पेंडेंसी डाउन आई है। जो हमारा अपना सोलन पुलिस का एक टारगेट है, दैट इज जीरो टॉलरेंस टू एनी काइंड ऑफ अनसिविलाइज बिहेवियर, रोड साइड हुलिगनिज्म, वो भी इसमें इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं। 100 डेज जो प्रायोरिटी प्लान हमारी नई सरकार का है, पुलिस हेडक्वार्टर का है, उसमें जो इनके करने लायक एजेंडे हैं वो डिस्कस डिटेल में किए गए। सोलन पुलिस का जो एक नारा है कि पब्लिक को साथ लेके चले और पब्लिक की सेवा के लिए, तो हम उसमें आगे बढ़ते रहें और जैसे भी इनपुट्स आए हैं हम उसमें कार्रवाई करते रहें।